इस वक्त आजमगढ़ से बड़ी खबर बता दें कि मसूरियापुर त्रिमुहानी बांका में स्कूल जाते समय 10वीं का छात्र घाघरा नदी की छोटी शाखा में डूबा, तलाशी जारी, प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के रौना पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत मसूरियापुर त्रिमुहानी बांका गांव के पास स्कूल जाते समय 10वीं का छात्र घाघरा नदी की छोटी शाखा में डूब गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन द्वारा गोताखोरों की मदद से उसकी तलाशी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के बाका बुढ़नपट्टी गांव निवासी शिवम सहनी उम्र लगभग 18 वर्ष, पुत्र शंभु सहनी कक्षा 10वीं का छात्र है, जो मसूरियापुर स्थित चंद्र भानु इंटर कॉलेज में पढ़ता है। रोज की भांति शुक्रवार को जब स्कूल जाने के लिए घाघरा नदी के छोटी शाखा के किनारे छात्रों के साथ आया तो नाव उस पार थी। उम्र में सबसे बड़े होने के कारण वह नाव लेने उस पार जाने लगा और पानी ज्यादा होने के कारण शिवम नदी में डूब गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने उसके परिजनों और स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर अपने मैं हमराय फोर्स के साथ मौके पर रौनापार थाना प्रभारी व छात्र के परिजन पहुंचे। पुलिस ग्रामीण और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे छात्र की तलाशी कर रही है। नदी में डूबे छात्र शिवम के पिता शंभु नाथ शाहनी और बड़े पुत्र संतलाल के साथ रोजी रोटी के चक्कर में महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं। यहाँ दो भाइयों और एक बहनों में छोटा था, उसकी बहन सोनम और माता रूना का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। अगर प्रशासन द्वारा यह कड़ी व्यवस्था की गई होती तो ऐसी घटना कतई नहीं होती। स्थानीय पुलिस नदी में जाल डलवाकर गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे छात्र शिवम की तलाश में जुटी हुई है। आइए देखिए बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, महाराजगंज आजमगढ़ से। अब तो निकाल लेगा, अब अपना सब हुआ था, अब ऐसे जो लगा कर दो।